कोर्ट जा रहे हैं? अदर कोर्ट जा रहा हूँ, एक कोर्ट से फ्री हो गए केस के सिलसिले में। ऑब्वियसली। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल फिर महंगा हो गया और मज़ीद भी महंगा होगा। अभी तक तो जो बातें सामने आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग मज़ीद महंगा होने की ख़बरें मार्केट में हैं। उसकी ज़्यादातर मैं कल भी एक मारे मईशत को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि हमारे पास जो रिज़र्व्स हैं वो बहुत कम हैं और अगर इसमें कोई एमरजेंसी सूरत हाल, एमरजेंसी कोई सिचुएशन, कोई स्टेप ना लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से तो ये जो मुल्क का जो फ्यूचर है, जो आवाम है हमारी, उसका जो फ्यूचर है वो डार्कनेस की तरफ चले जाएगा। तो इससे पहले कि कुछ साए जो है वो मज़ीद जो मंडला रहे हैं, मज़ीद गहरे हों, तो गवर्नमेंट को जो है वो ये स्टेप लेने चाहिए। इनको ख़ुद ही अपनी टीम से मुशावरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरे ख़्याल से जो अपने हमारे मुल्क के अपने मुआशदान हैं इनको अपनी टीम का जो है वो पार्ट बनाना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं और वो जानते हैं कि किस तरह मुल्क की बेहतरी के लिए काम किए जा सकते हैं। अब ये जो पेट्रोल महंगा किया है तो ये सिर्फ़ एक पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, इससे ऑब्वियसली हमारी जो डेली कमोडिटीज़ हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कुर्बानी का बकरा जो है और जो बली का बकरा है वो एक आम आदमी बनता है। लेकिन हम आज ही बार रूम में बैठे डिस्कस कर रहे थे कि क्यों गवर्नमेंट, अगर इतने ज़्यादा मुश्किलात का हालात है इनके पास तो इनको चाहिए कि जितनी भी हमारी ऑफिशियल बॉडी है जिसमें सियासतदान खुद भी हैं वो अपनी मरात कम करें, अपनी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम करें। ये 10 बजे मार्केट बंद कर देना तवानाई बचाने का एक ज़रिया हमने देख लिया है, तो इससे मेरे ख़्याल से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं होगी। बीइंग अ पाकिस्तानी, वो चाहे सियासतदान है, वो चाहे किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखता है, उनको सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए इस मुल्क को ये जो गहराई में जा रहा है इससे निकालने के लिए। अच्छा, आप बहुत आपने उम्दा गुफ्तगू किया। अपना नाम बताइए पहले। शाहिद नईम। शाहिद साहब, मुझे ये बताइए, जब अमारात की आपने एक बात की है, जब कॉमन मैन ये देखता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो इतनी शाहाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो उनके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये हमारे हुक्मरान ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे? अब मेरे ख़्याल से ये जितने भी हुक्मरान हैं ये कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, ये सब चीज़ें ये समझते हैं, इनकी नॉलेज में है। अपनी कोई भी सियासी जमात है, रिस्पेक्टिव के मिस्टर ए किस पार्टी से बिलोंग करता है, वो किस पार्टी से मिनिस्टर है या एमएनए है, वो अपनी मराहत कम करने की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता। अब जो एक लेमैन है, एक आम आदमी है, ये साहब हैं, एक ऑटो चलाने वाला है, जो एक रेडी बान है, उसके लिए मुश्किलात हैं लेकिन उसको फैसिलिटी कोई नहीं है। अब लोग देखते हैं हम उनके यूनिट जो हैं वो 88 बर्न हो रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहा है एक बिजली के बिल, उसको 5000 रुपया आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमारे बरसरे इकतदार लोग हैं इनको यूटिलिटी बिल, इनको गैस का बिल, इनको वेव ऑफ किया जाता है, इनको महाना जो है वो 450-500 लीटर जो है वो फ्री दिया जा रहा है। यानी कि इनको जो तनख्वाह मिल रही है उसमें से ना तो इनके यूटिलिटी के बिल्स हैं, ना इनकी फ्यूल कंजम्पशन है। इस तरह की कोई एक्सपेंसिव जो चीज़ें मार्केट में एक आम आदमी को लेना पड़ती है वो इनके लिए फ्री हैं। तो ये तो उन ममालिक का स्टाइल है जो तरक्की याफ्ता हैं, ये उन ममालिक का स्टाइल है जिसमें आवाम को भी बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं और सस्ती मुयसर हैं। यहाँ एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक, मेरे ख्याल से ये शाम तक का तजाब तो नहीं है, गई रात तक वो वर्कआउट करता है, तब जाके वो, पहले हम कहते ही 3 वक्त की रोटी, 2 वक्त की, 1 वक्त की रोटी वो हासिल कर पाता है। तो मैं समझता हूँ ये अल्टीमेटली बोझ जो है वो आवाम पर है, जो अपर क्लास है और जो बिजनेसमैन भी बेचारे दब के रह गए हैं, जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आला अहदों पर फायज हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा।